हेलो एंड वेलकम टू आई गिग्स ब्लॉग हिंदी। मेरा नाम है लक्ष्य और आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको सम द बेस्ट एक्सेसरीज फॉर योर न्यूली बॉट आईफोन 13। बाय द वे ये एक्सेसरीज सिर्फ आईफोन 13 के लिए नहीं है, अगर आपने नया नया आईफोन 12 खरीदा तो उसमें भी आप ये सारी एक्सेसरीज यूज कर सकते हैं। बिना कुछ टाइम वेस्ट करे सबसे पहले शुरुआत करते हैं पावर अडैप्टर से। देखो पावर अडैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेसरी, क्योंकि एप्पल बॉक्स में पावर अडैप्टर नहीं देते। तो बेस्ट चीज क्या होगी आपके लिए, ऑब्वियसली जो ऑफिशियल 20 वॉट एप्पल का पावर अडैप्टर आता है वही ले सकते हैं। बट अगर आपको कुछ और लेना है, कोई थर्ड पार्टी पावर अडैप्टर लेना है, तो उसके लिए मैं आपको दो ऑप्शंस बताता हूं। नंबर वन है पोर्ट्रॉनिक्स का पावर अडैप्टर और नंबर टू है वायोना का पावर अडैप्टर। ये दोनों पावर अडैप्टर 20 वॉट पे आपको पावर डिलीवरी देते हैं और ये टाइप सी पोर्ट के साथ आते हैं। तो जो बॉक्स के अंदर आपको टाइप सी टू लाइटनिंग का केबल मिलेगा उसके साथ साथ आप ये पावर अडैप्टर यूज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, और ये अच्छे खासे बजट में भी आते हैं। इन सबकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगले नंबर पे आती है पावर केबल्स। तो अगर आपको एडिशनल पावर केबल चाहिए तो ये है मेरे टॉप पिक्स। तो इस प्रोडक्ट को मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। पहली कैटेगरी है टाइप सी टू लाइटनिंग केबल, क्योंकि टाइप सी से आपको फास्टर चार्जिंग मिलेगी। एंड इसके लिए मेरे टॉप पिक्स हैं, एक तो है बोट की केबल, बोट LTG 600, एंड सेकंड टॉपिक है मेरी बेल्किन की केबल। तो इन दोनों केबल्स में ब्रेडेड केबल्स हैं आपको, एंड आपको फास्ट चार्जिंग मिलेगी क्योंकि टाइप सी इनपुट है। सेकंड कैटेगरी यहां पे है USB A टू लाइटनिंग। तो अगर आपको फॉर व्हाटएवर रीजन USB C केबल नहीं लेनी है, या आपके पास कोई पुराना पावर अडैप्टर पड़ा है जिसमें USB A इनपुट है, या आपको अपनी कार में अपने आईफोन को कनेक्ट करना है जिसमें USB C पोर्ट नहीं है और USB A पोर्ट है, तो आप USB A टू लाइटनिंग केबल भी ले सकते हैं। एंड उसकी मैं आपको टॉप पिक्स बताता हूं। नंबर वन पे आती है Amazon Basics की केबल एंड नंबर टू पे आती है बोट की केबल। इन दोनों केबल्स का आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि यहाँ पे ये ब्रेडेड केबल्स हैं, तो ये इजीली ब्रेक नहीं होंगे एंड आप इसका रफ यूज भी कर सकते हैं। थर्ड एक्सेसरी जो आपको अपने आईफोन के लिए लेनी चाहिए, जो आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेसरी ऑफ देम ऑल, इज अ केस। और बाय द वे केस से मुझे याद आया, हमने ऑलरेडी एक आईफोन 13 गिव अवे इनिशिएट कर दिया है, गिव अवे स्टार्ट कर दिया। तो अगर आपने ऑलरेडी आईफोन 13 का केस का गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो प्लीज उसमें फटाफट पार्टिसिपेट कर लीजिए, मे बी यू विल विन अ ब्रांड न्यू केस फॉर योर न्यू आईफोन 13। एनीवे, अब मैं अपनी रिकमेंडेशंस के बारे में बात करता हूं। तो एप्पल के ऑफिशियल सिलिकॉन केसेस, लेदर केसेस तो आते हैं, बट वी ऑल नो ये कितने ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। 4-5 हजार रुपए का केस कौन लेना चाहेगा। तो इन दैट केस मैं आपको बताता हूं दो अमेजिंग कंपनीज जिनके आपको काफी अच्छे रगेड केसेस मिल सकते हैं, हार्ड केसेस मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आपके आईफोन पे कोई डैमेज नहीं होगा। नंबर वन इज स्पीगिन एंड नंबर टू इज अर्बन आर्मर गियर या UAG। इन दोनों कंपनीज के केसेस काफी रफ एंड टफ होते हैं, काफी रगेड होते हैं, इनका एक काफी डिस्टिंक्ट प्रोटेक्टिव लुक होता है। तो अगर आप इन दोनों कंपनीज में से कोई भी केस अपने आईफोन पर लगाते हैं तो आपको बिल्कुल भी डैमेज की चिंता नहीं होगी, आपका आईफोन एकदम प्रोटेक्टेड रहेगा, एकदम अच्छे से रहेगा। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेसरी, अ कोर एक्सेसरी मैं कहूंगा, इज अ स्क्रीन प्रोटेक्टर। मतलब आप केस लगा रहे हो तो बिना स्क्रीन प्रोटेक्टर के अपने आईफोन को कैसे यूज करोगे। हाँ मुझे मालूम है इन आईफोन में सेरेमिक शील्ड कोटिंग आती है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप स्क्रीन प्रोटेक्टर ना लगाओ, रिस्क क्यों लेना यार। तो ये लो मेरे दो पिक स्क्रीन प्रोटेक्टर के लिए। नंबर वन है स्पीगन का स्क्रीन प्रोटेक्टर, इसमें आपको एक पैक ऑफ टू मिलेगा। एंड नंबर टू पे आता है ESR का टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर, इसमें आपको पैक ऑफ थ्री मिलेगा। एंड ये काफी अच्छे दाम में आपको 2 या 3 स्क्रीन प्रोटेक्टर्स मिल जाएंगे आपके आईफोन के लिए, काफी अच्छा टफन ग्लास है, हार्डन ग्लास है। स्क्रैचेस हल्के फुल्के तो सभी को मिल ही जाते हैं, बट क्रैक से आपको काफी अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा ये वाले स्क्रीन गार्ड लगा के। तो अब आपने कोर एक्सेसरीज ले ली हैं अपने आईफोन के लिए, तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है। वेल आई वुड से नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज ईयरफोन्स। तो ईयरफोन्स आज की डेट में आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ वायरलेस ईयरफोन्स ले, वायर्ड ईयरफोन्स की तरफ ना देखें। एंड वायरलेस ईयरफोन्स में मेरे टॉप पिक्स हैं, सबसे ऊपर आते हैं एप्पल एयरपॉड्स सेकेंड जनरेशन एंड एप्पल एयरपॉड्स प्रो। एयरपॉड्स के साथ में आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपको एक सीमलेस कनेक्टिविटी मिलती है, आपको ऑडियो क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी मिलती है, लेटेंसी बहुत लो होती है ऑडियो में। बट आई अंडरस्टैंड कि एयरपॉड्स थोड़े एक्सपेंसिव हो सकते हैं, ऑब्वियसली नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड एयरपॉड्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं भी यूज नहीं करता हूं एयरपॉड्स। तो अगर आपको थोड़े सस्ता वर्जन चाहिए इन TWS ईयरबड्स का, तो उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। एंड माय नंबर वन पिक इज सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो। आई नो मैं थोड़ा एप्पल से दूर हट रहा हूं, सैमसंग की तरफ जा रहा हूं, बट ट्रस्ट मी गाइस, सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो बहुत अच्छे ईयरबड्स हैं, क्योंकि इसमें ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन काफी ज्यादा बढ़िया है, एंड लेटेंसी भी कुछ खास ज्यादा नहीं है, एंड बैटरी बैकअप बहुत ही ज्यादा अच्छा है।
एंड नेक्स्ट पिक इज नथिंग ईयर वन। आपने शायद इस कंपनी का नाम ना सुना हो, वेल अगर नहीं सुना है देन यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट, क्योंकि नथिंग ईयर वन काफी ज्यादा पॉपुलर ईयरफोन्स हो चुके हैं एंड ये काफी सस्ते भी हैं। वेल सैमसंग गैलेक्सी बड्स पर आपको 10-11 हज़ार की रेंज में मिल जाएंगे, बट नथिंग ईयर वन आपको मिलेंगे 5-6 हज़ार की रेंज में। अगर आप सेल में खरीद लेते तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो आपको ये 6-6.5 हज़ार तक की रेंज में नथिंग ईयर वन मिल जाएंगे। यहाँ पे भी आपको ANC काफी अच्छी मिलेगी, ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी मिलेगी, आई थिंक एयरपॉड्स लेवल की ऑडियो क्वालिटी आपको नथिंग ईयर वन में मिल सकती है। हाँ, लेटेंसी का थोड़ा सा इशू हो सकता है, कनेक्टिविटी का शायद हल्की सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट ऑडियो क्वालिटी में नो सैक्रिफाइसेस। बट बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट आइटम, iGeeks ब्लॉग हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसके साइड में एक बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए एंड ऑल नोटिफिकेशंस एनेबल कर दीजिए। नाउ बैक टू द वीडियो। एक्सेसरी नंबर 6 एंड दैट इज पावर बैंक या पोर्टेबल चार्जर। वैसे तो आईफोन 13 की बैटरी लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बट फॉर सम रीजन अगर आपको एक एक्सटर्नल पावर बैंक चाहिए तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला पे एक ऑब्वियसली एप्पल ऑफिशियल मैगसेफ बैटरी पैक, बट यहाँ पे थोड़े सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़ते हैं क्योंकि देखो मैगसेफ है तो कई बार हमारा क्या होता है, हमने कोई अच्छा खासा थिक केस लगाया होता है तो मैगसेफ उसके लिए पास थ्रू नहीं हो पाता है। इन दैट केस मैं आपको थोड़े अच्छे खासे और पावर बैंक भी बताता हूँ जिसमें बैटरी कैपेसिटी भी काफी अच्छी मिलेगी। नंबर वन इज मी पावर बैंक यानी कि MI का पावर बैंक। यहाँ पे आपको 10,000 mAh का पावर बैंक मिलेगा जिसमें आपको USB-A पोर्ट भी मिलेगा, USB-C पोर्ट भी मिलेगा, तो आपके पास कोई भी केबल हो आपके लाइटिंग रिलेटेड वाली वो इस पावर बैंक में कनेक्ट हो जाएगी। बट अगर 10,000 mAh से आपका पेट नहीं भर रहा है तो एक और रिकमेंडेशन आपके लिए, 20,000 mAh का पावर बैंक फ्रॉम Zebronics। यहाँ पे भी आपको काफी अच्छी कैपेसिटी, मतलब 20,000 mAh में कितना 15 बार अपने आईफोन को चार्ज कर लोगे क्या दिन में यार। 20,000 mAh कैपेसिटी वाला पावर बैंक फ्रॉम Zebronics, यहाँ पे भी आपको USB-A और USB-C इनपुट दोनों मिलेंगे तो आप अपने आईफोन को बेझिझक चार्ज कर सकते हो। बट अगर आपको वायरलेस चार्जर्स चाहिए तो उसके बारे में भी मैं बात कर लेता हूँ। एंड वायरलेस चार्जर में नंबर वन पे Apple ऑफिशियल मैगसेफ वायरलेस चार्जर, क्योंकि इसमें आपको सबसे फास्टेस्ट चार्जिंग स्पीड मिलेगी अप टू 15 वॉट्स ऑफ वायरलेस चार्जिंग। एंड बाय द वे मैगसेफ सिर्फ iPhone 12 एंड iPhone 13 में ही सपोर्टेड है, तो ये फास्ट चार्जिंग स्पीड्स आपको सिर्फ उन्हीं में मिलेंगी। बट अगर आपके पास कोई पुराना आईफोन है और आप थोड़ी स्लो स्पीड पर चार्ज करना चाहते हो लेकिन आप मैगसेफ नहीं लेना चाहते तो उसके भी मैं आपको ऑप्शंस बताता हूं। नंबर वन पे है रेगर आर वायरलेस चार्जर। इसमें आपको थोड़ी स्लो चार्जिंग स्पीड मिलेगी अप टू 7.5 वॉट्स, बट वायरलेसली चार्ज होंगे आपके सारे आईफोन्स, तो ये आईफोन 8 एंड अबव को सपोर्ट करता है बट 7.5 वॉट की स्पीड पर। अगला वायरलेस चार्जर है स्टफ कूल का वायरलेस चार्जर। यहां पर भी सेम है, 7.5 वॉट की वायरलेस चार्जिंग स्पीड मिलेगी आपको, लेकिन आपके आईफोन 8 एंड अबव सब में आपको वायरलेस चार्जिंग कैपेबिलिटी है तो आप ये चार्जर भी ले सकते हैं अगर आप वायरलेस से अपने आईफोन को चार्ज करना चाहते हैं। तो अगर आपको इन सारी एक्सेसरीज के बारे में सुन के मजा नहीं आ रहा था, वेल देन आई हैव गॉट एन अमेजिंग एक्सेसरी फॉर यू। अगर आप अपने आईफोन पे गेमिंग करते हैं, गेमिंग का शौक रखते हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक ताबड़तोड़ एक्सेसरी। इसका नाम है स्पिनबोट बैटल मॉड्स F1 इलेक्ट्रिक। ये है गेमिंग ट्रिगर्स जिनको आप अपने बैटल रॉयल गेम्स में यूज कर सकते हैं, यानी कि कॉल ऑफ ड्यूटी या BGMI में यूज कर सकते हैं या ऑनेस्टली किसी भी और गेम में यूज कर सकते हैं। आपको गेमिंग ट्रिगर्स का तो फंडा पता ही होगा, तो आप इन ट्रिगर्स को अच्छे से इन गेम्स में यूज कर सकते हैं। ये आपके आईफोन 13 के साथ बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करती है। इसमें कोई ब्लूटूथ वगैरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको अपने आईफोन पे फिट करना है एंड यू आर गुड टू गो। नेक्स्ट अप लेट मी टॉक अबाउट कैमरास। एप्पल ने इतनी बड़ी डील बना रखी है भाई आईफोन 13 के कैमरास की, तो मुझे तो कैमरा के बारे में बात करनी ही पड़ेगी ना। तो कैमरा के लिए अगर आप अपने आईफोन पे फोटोग्राफी करते हैं या वीडियोग्राफी करते हैं तो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो है स्टेबलाइजेशन। तो स्टेबलाइजेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए, वेल इन ऑल ऑनेस्टी आपको एक गिम्बल में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड इस वीडियो में मैं आपको दो अमेजिंग गिम्बल्स के बारे में भी बताता हूं। नंबर वन पे है DJI Osmo 3 एंड नंबर टू पे है Hohem iSteady गिम्बल। इन दोनों गिम्बल्स में आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो ये होगा कि स्टेबलाइजेशन बहुत ही अच्छी है। इन दोनों का मोबाइल ऐप आपको मिल जाएगा, तो अगर आपका हाथ थोड़ा सा भी शेक होता है तो आप इस ऐप के थ्रू, इस गिम्बल के थ्रू बहुत ही अच्छे से वीडियोस क्लिक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द बेस्ट एक्सेसरीज फॉर योर आईफोन। बट बिफोर आई गो वन मोर थिंग, AirTag। तो AirTag इज अ वेरी नाइस एक्सेसरी। एक ब्रीफ मैं आपको देता हूं, आप इस AirTag को किसी भी आइटम के साथ अटैच कर सकते हैं, जैसे कि आपकी कीज हो गई, आपका लगेज हो गया, आपका पेट डॉग का कॉलर हो गया, तो आप इन आइटम्स में अगर AirTag को अटैच कर देंगे तो आप अपने आईफोन में फाइंड माई ऐप के थ्रू
एयर टैग को अच्छे से लोकेट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। सो इस लिस्ट में से आपको कोई भी एक्सेसरी अगर पसंद आ रही है और आप लेना चाहते हैं अपने लिए, तो इन सब आइटम्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर फर्स्ट कमेंट में मैंने पिन करके रखा होगा, आप वहां से ये सारे आइटम ले सकते हैं। एंड बिफोर आई गो, हमने आईफोन 13 केसेस का गिव अवे ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, तो अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो उस वीडियो को जाके देखिए एंड गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर करिए। एंड रिमेंबर, हमारे iGeeks ब्लॉग का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप स्टोर पे। इस ऐप में आपको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आईफोन एंड एप्पल के बारे में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, दिस इज लक्ष्य साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।